वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, बेसिक नंबर के बारे में। टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। ये जो टॉपिक है आज का, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्लास सिक्स टू टेंथ के मैथ्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिस स्टूडेंट का मैथ्स का बेस स्ट्रक्चर अच्छा होता है वो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर लाइन, व्हाट इज नंबर लाइन? नंबर लाइन विच रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। वी कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर टू द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन एंड नेगेटिव नंबर टू द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। इन बिटवीन देम जीरो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट। सो नंबर लाइन का क्लियर है कि एक ऐसी नंबर लाइन, एक लाइन जो कि रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव नंबर को भी और नेगेटिव को भी। पॉजिटिव किस तरफ होते हैं? राइट साइड ऑफ नंबर लाइन। नेगेटिव नंबर किस तरफ रिप्रेजेंट करना है? वो है लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस लाइन पर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर कैन बी ड्रॉन। सेकेंड, नेचुरल नंबर। बहुत सिंपल होता है नेचुरल नंबर को समझना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इंफिनिटी। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द काउंटिंग। क्या है ये? काउंटिंग है। काउंटिंग कहां से शुरू होती है बच्चों? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड इट गोज टू इंफिनिटी। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। क्या है वो? फर्स्ट, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? इट इज वन। कैसे? क्योंकि ये स्टार्ट ही वन से हो रहा है। एंड व्हाट इज लार्जेस्ट? दिस इज इंफिनिटिव साइन। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बिकॉज देर इज नो एंड ऑफ काउंटिंग। तो सिंपल है बिल्कुल नेचुरल नंबर को समझना कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट हो रहा है और इंफिनिटी तक ये चलता जाएगा। स्मॉलेस्ट की जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इट इज वन। और पूछा जाए लार्जेस्ट, सो यू कैन नॉट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई लार्जेस्ट बिकॉज हर नंबर का एक सक्सेसर नंबर होता है, एक नेक्स्ट नंबर होता है, इसलिए आप लार्जेस्ट नहीं बता सकते हो। तो ये नेचुरल नंबर भी क्लियर हो जाता है। थर्ड, होल नंबर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोज अप टू इंफिनिटी एज वेल। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, वन टू थ्री एंड सो ऑन। यहां पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? यह है जीरो। और लार्जेस्ट सिमिलर है नंबर, नेचुरल नंबर की तरह लार्जेस्ट नंबर वी कैन नॉट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई। सो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड लार्जेस्ट इंफिनिटी। देर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस? वो डिफरेंस है क्या? डिफरेंस इज जीरो। जीरो इज द नंबर विच इज अ होल बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। व्हाट वी कैन से? वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर बट एवरी होल नंबर डू नॉट लाइ इन नेचुरल नंबर। What is the number? This is zero. Zero is not natural, but one, two, three and so on all are whole number. तो ये बहुत important है, one mark में question आता भी है। What is the number which is a whole but not natural? It is zero. So clear हो जाता है, दोनों में एक ही difference है zero का। And last जो है वो है integers, the number without fraction. So अगला जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। द नंबर विदाउट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इंटीजर। एक्चुअली जो नंबर लाइन थी हमारी, मैंने इसीलिए ड्रॉ करी हुई थी कि इसमें जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ऑल आर इंटीजर। इंटीजर इज पॉजिटिव नंबर, इंटीजर इज ऑल्सो जीरो, इट इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन लेस नंबर। व्हाट इज इंटीजर्स? फ्रैक्शन लेस नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर माइनस इंफिनिटिव, लार्जेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंफिनिटिव, विच मीन्स वी कैन नॉट डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई
negative integer as well as positive. So smallest integer we cannot define, largest integer we also cannot define. क्या reason है इसके पीछे? अगर आप largest की तरफ जाते हैं, इस number line को देखिए, इसमें 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7 and so on, ये counting चलती चली जाएगी. इसी तरह नेगेटिव में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, सेवन, एट एंड सो ऑन. सो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इंटीजर डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है. इन सभी टॉपिक के बारे में आपको मैं क्विक इंफॉर्मेशन फिर से देता हूं. नंबर लाइन इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट जीरो एंड पॉजिटिव टू इट्स राइट साइड एंड नेगेटिव नंबर टू इट्स लेफ्ट साइड. नेचुरल नंबर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. स्मॉलेस्ट नेचुरल इज वन एंड लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो गोज अप टू इंफिनिटी. लार्जेस्ट होल नंबर नॉट डिफाइंड एंड स्मॉलेस्ट जीरो. वट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर? इट इज जीरो. जीरो इज द होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी नेचुरल दैट इज जीरो इज नॉट अ every whole number that is zero is not a natural number. Integer fractionless number is called are called integers positive or negative. So in integer we cannot describe or identify smallest integer as well as largest integer. तो अगला जो number है वो है prime number. What is prime number? It has exactly two factor. The number which has exact two factor is called prime number. What are two factors? First factor is one and the other factor is the number itself. First factor तो one होगा और जो second factor होगा उस number का वो number खुद होगा. So इसकी जो definition है वो बहुत simple है. Prime number is the number which has exactly two factor, one and itself. These are some examples of prime number 2, 3, 5, 7. 1 and 2 are factor of 2, which means ये जो 2 है 1 से भी divide हो रहा है और ये 2 से भी divide हो रहा है. 3 1 से भी divide हो रहा है और 3 से भी हो रहा है. Similarly 7 1 से भी divide होगा और 7 से भी होगा. इन सभी नंबर के एग्जैक्ट टू ही फैक्टर है, नॉट मोर देन टू. तो अगर एग्जैक्ट टू फैक्टर होते हैं, आप देख लीजिए, वन एट द नंबर इटसेल्फ, वन वन एट द नंबर इटसेल्फ, वन एट द नंबर इटसेल्फ. सो बिल्कुल क्लियर हो जाता है प्राइम नंबर के बारे में कि वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, फर्स्ट वन एंड सेकेंड द नंबर इटसेल्फ. चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और समझते हैं. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इट इज ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर. रेस्ट प्राइम आर ऑड नंबर. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, बट ये 2 इवन नंबर भी है. इसके बाद कोई भी जो नंबर है प्राइम वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड है. तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, व्हाट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर दैट इज आल्सो 2. चलिए अगला बढ़ते हैं. कंपोजिट नंबर, इट हैज मोर देन टू फैक्टर. नेक्स्ट नंबर कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या? इट हैज मोर देन टू फैक्टर. एग्जांपल्स आर 4, 6 एक्सेट्रा. 4 के कितने फैक्टर है? 1, 2 एंड 4. 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4. ऑल्सो 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 6. सो कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर. नेक्स्ट इवन नंबर, द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, 100, 1000, 10,000. द नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर एंड दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड नंबर. ऑड नंबर में हमेशा
रिमाइंडर आपको मिलेगा, चाहे वो वन हो, थ्री हो, फाइव हो, सेवन हो, कुछ भी हो. ऑड नंबर आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू. सो ये थे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर. नेक्स्ट नंबर इज ट्विन प्राइम. ट्विन मीन्स जुड़वा. टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर दैट हैज वन कंपोजिट नंबर बिटवीन देम. दो लगातार प्राइम हो जिनके बीच में कोई ना कोई कंपोजिट नंबर हो, ऐसा पेयर ट्विन पेयर ट्विन प्राइम कहलाता है. एग्जाम्पल्स क्या है? थ्री एंड फाइव. इनके बीच में फोर एक नंबर है जो कंपोजिट नंबर भी है. सिमिलरली फाइव एंड सेवन. बिटवीन फाइव एंड सेवन देर इज सिक्स, दैट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. एक्सेप्शन टू एंड थ्री आर नॉट ट्विन प्राइम बिकॉज देर इज नो कंपोजिट नंबर बिटवीन टू एंड थ्री. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका. टू एंड थ्री बोथ आर प्राइम बट दे आर नॉट ट्विन प्राइम. वाई? बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल कंपोजिट नंबर बिटवीन टू एंड थ्री. थ्री एंड फाइव, फाइव एंड सेवन, दीज आर ट्विन प्राइम. तो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्विन प्राइम? टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर दैट हैज वन कंपोजिट नंबर बिटवीन दैम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. नेक्स्ट प्राइम ट्रिपलेट. अ सेट ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट. ट्रिपलेट स्टैंड फॉर थ्री. एग्जाम्पल्स सेवन, इलेवन एंड थर्टीन. तो डेफिनेशन एक बार मैं फिर बता देता हूं. अ सेट ऑफ थ्री प्राइम नंबर इन विच स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर डिफर बाय सिक्स. इस ट्रिपलेट के सेट में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा एंड द लार्जेस्ट नंबर, उनका अगर हम डिफरेंस करेंगे, अगर आ जाता है सिक्स, देन द सेट इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट. एग्जाम्पल सेवन, इलेवन एंड थर्टीन, ऑल थ्री आर प्राइम. सिमिलरली फाइव, सेवन एंड इलेवन. सो डिफरेंस बिटवीन इलेवन एंड फाइव इज सिक्स. डिफरेंस बिटवीन सेवन एंड सेवन एंड थर्टीन इज ऑल्सो सिक्स. सो दीज टू सेट आर प्राइम ट्रिपलेट. एक्सेप्शन टू, थ्री, फाइव. थ्री, फाइव, सेवन, दीज आर नॉट सेट ऑफ प्राइम नंबर. वाई दीज आर नॉट सेट ऑफ प्राइम ट्रिपलेट? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज नॉट सिक्स. वॉट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्राइम ट्रिपलेट? की जो लार्जेस्ट नंबर है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर उनका जो डिफरेंस है वो सिक्स नहीं आता, देन ये तीनों प्राइम है लेकिन प्राइम ट्रिपलेट का एक सेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये सही नहीं बैठते हैं. तो प्राइम ट्रिपलेट और ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम दो प्राइम नंबर जिनका पेयर हो बट उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर भी हो. इसी तरह से प्राइम ट्रिपलेट सेट ऑफ थ्री प्राइम नंबर बट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम मस्ट बी सिक्स. कुछ एक्सेप्शन भी है. टू एंड थ्री ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर नहीं है. इसी तरह से टू, थ्री, फाइव, थ्री, फाइव, सेवन ये भी ट्रिपलेट नहीं है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का वो सिक्स नहीं है. नेक्स्ट नंबर इज रेशनल नंबर. व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटर्न एज पी बाय क्यू, वेयर क्यू शुड नॉट बी जीरो. एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू. एग्जाम्पल एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो. टू बाय थ्री, फाइव बाय सेवन, जीरो अपॉन एट, माइनस वन बाय टू एंड एट बाय फोर. तो ऑल इन ऑल हम ये समझ रहे हैं इसमें कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब है जब वो p बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सके. यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? q विच इज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. ये एक यहां पर है जीरो अपॉन एट. ये एक रेशनल नंबर है बिकॉज हेयर p इज जीरो, q इज नॉट. सो वी कैन से रेशनल नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म और एज पी बाय क्यू एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है? क्यू शुड नॉट बी जीरो.
व्हाट इफ क्यू इज जीरो, अगर क्यू जीरो होता है तो क्या होगा, वो नेक्स्ट हो जाएगा इरेशनल नंबर, जहां पर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाय क्यू, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाय क्यू वेयर क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, एग्जाम्पल 7/0, 8/0, 11/0 एक्सेट्रा। कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो वो है इरेशनल, अगर नहीं है जीरो तो वो है रेशनल नंबर, बस इसमें यही डिफरेंस है। अगला है परफेक्ट नंबर, द नंबर हूज फैक्टर्स सम एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू द नंबर, एक ऐसा नंबर जिसके हम फैक्टर लिखें, उन फैक्टर का सम करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीव द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़ देना है, बाकी फैक्टर को लिखना है। एग्जाम्पल है 6, इसके फैक्टर है 1, 2 एंड 3, सम ऑफ 1, 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर। यानी कि अगर अगला जो नंबर है 28, इसके भी फैक्टर हुए 1, 2, 4, 7 एंड 14, सम ऑफ ऑल दीज इक्वल्स टू 28, इफ सम ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ एक्सेप्ट द नंबर, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर, जिसके नंबर के फैक्टर लिखे और उस नंबर को हम छोड़ दे, उसके अलावा अगर आप एड करते हो उसके फैक्टर्स के सम, तो वो अगर नंबर के बराबर हो जाता है तो ये कहलाएगा फैक्टर नंबर। सो रेशनल विच कैन बी रिटर्न एज पी अपॉन क्यू एंड क्यू शुड नॉट बी जीरो, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाय क्यू, हेयर क्यू इज जीरो। एंड व्हाट इज परफेक्ट नंबर, हूज सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको नंबर जो है उसको इटसेल्फ को नहीं लिखना है फैक्टर्स में, और टोटल करके देख लीजिए, ये अगर उस नंबर के बराबर आता है तो आ रहा है वो परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर बनेगा आपका 6, उसके बाद 28 है एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो ये थे हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड परफेक्ट नंबर। सो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रियल नंबर्स, बहुत इंटरेस्टिंग है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, एनी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इस रियल नंबर में इस पॉट का नाम हमने दिया हुआ है रियल नंबर, ये जो पॉट बनाया हुआ है इस पॉट का नाम क्या है, रियल नंबर। इस रियल नंबर में देखिए क्या क्या इंक्लूड है, जो नंबर इस पॉट के अंदर है, द नंबर्स विच आर विद इन द पॉट आर ऑल्सो रियल नंबर। सो ये कंप्लीट रिविजन भी है और रियल नंबर की डेफिनेशन भी है। इवन नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय 2 लीव्स 0 रिमाइंडर, 2, 4, 6 एक्सेट्रा। सो ये इवन नंबर भी है और रियल नंबर भी है। ऑड नंबर 1, 3, 5 नॉट डिविजिबल बाय 2 ऑड नंबर होते हैं, तो ये भी रियल नंबर हुए। उसके बाद नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या था हमारा 1 था, लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड था, ये नेचुरल भी रियल हुए। होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट हुए थे इंफिनिटी तक, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 था, लार्जेस्ट नॉट डिफाइंड था, होल नंबर भी क्या हुए, रियल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स पे, 0 से पॉजिटिव, 0 से नेगेटिव। इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी स्मॉलेस्ट नहीं है और कोई भी लार्जेस्ट इंटीजर नहीं है, बट इंटीजर भी रियल नंबर होते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे, 2 के फैक्टर थे 1 और 2, इसी तरह 7 के फैक्टर थे 1 और 7, तो ये प्राइम थे जिनके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा था नंबर इटसेल्फ, बट प्राइम नंबर भी क्या हुए, रियल नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 4 के थे 1, 2, 4, इसी तरह 9 के 1, 3, 9, ये थे कंपोजिट, बट दीज आर ऑल्सो रियल नंबर्स। देन उसके बाद हमारा ट्विन प्राइम, सेट ऑफ 2 प्राइम जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर जरूर हो, 3 और 5 के बीच में कंपोजिट क्या है, वो है 4, तो ये सेट ऑफ ट्विन प्राइम ये भी रियल नंबर हुए। इसी तरह से प्राइम ट्रिपलेट क्या बताया था, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर, बट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस होना चाहिए,
6। इसके बाद था रेशनल नंबर, जिस नंबर को p बाय q के फॉर्म में आप लिख सको, और q शुड नॉट बी 0, 2/3, -4/5, 0/8, ये भी क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। इरेशनल क्या था, q बन गया था हमारा 0, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो गया था 0, तो इरेशनल भी हुए रियल नंबर। इसके बाद परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या बताया था, जिस नंबर के फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल हो, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, लीव द नंबर, उस फैक्टर में नंबर को आपको छोड़ देना है, उसके बाद टोटल करके देखना है, अगर वो टोटल बराबर आता है नंबर के, दैट इज परफेक्ट नंबर। तो ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन हुआ, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, इंटीजर, प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट, कंपोजिट, रेशनल, इरेशनल, परफेक्ट नंबर, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलकर बना रहा है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर का सबसे आसान कॉन्सेप्ट बना, एवरी नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, जो था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। दिस टॉपिक विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव टू द क्लास 6 और अप टू 10th। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। दिस टॉपिक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द क्लास 6th to 10th स्टूडेंट, जिसमें सभी तरह के नंबर्स को मैंने आपको डिफाइन विद एग्जांपल्स बताया है। होप यू लाइक माय वीडियो एंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक, देन आपको सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मैसेज कीजिए मुझे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा ये आज का जो टॉपिक है अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।